इसमें हिदायत रहमान भी है और आपके यूनिट के जितने स्कूल जब से किए ये भी है और सुबह का भी है। मैं फख्र से कह सकता हूँ कि परसों जो डीपीसी हुई है उसमें एक कैडर नहीं छुटा है और उस कैडर से मेरा भी ताल्लुक है। क्यों नहीं छुटा है? छह डीपीसी 13 तारीख को होंगे थे। एक बंदे ने दरखास्त दी और सीएम से सिफारिश छूने किए और डीपीसी के दौरान वो एक दरखास्त आ गया कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरा प्रमोशन हम बनता है, लेकिन इन लोगों ने मुझे उससे निकाला है। हालांकि किसी ने नहीं निकाला था, मैं खुद प्रमोशन सेक्शन में उस दिन फिर भी मेरे ख्याल में आया था, लड़ता झगड़ता रहा। जब पता चला तो फार्मेसी टेक्नीशियन की सीनियरिटी लिस्ट है, लास्ट बंदा जो प्रमोशन का 14 में इकदार था वो 20 जनवरी 1995 का अपॉइंटमेंट वाला था। ये बंदा मई 29 में या 28 में तो 95 में भर्ती हुआ था, इससे आगे कम से कम 47 लौट गए, लेकिन उस एक दरखास्त की वजह से ये ज्यादती हो गई कि वो 6 ग्रेड की बजाय 5 ग्रेड की वो डीपीसी हो गई और इसको कैंसिल किया गया। लेकिन मैं आपको अब फिर वादा करता हूं कि मेरे सदारत में टोटल 6 दिन सामने रहे। इंशाल्लाह जब मैं सदारत को छोड़ूंगा, जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन से पहले पहले 2-3 दिन में ये फार्मेसी टेक्नीशियन की डीपीसी हो गई होगी। 17 महीने के टेन्योर में मेरा सब टीम ने जो प्रमोशन थ्रू ग्रेड के लिए चाहे वो ग्रेड 18 में गए हो, ग्रेड 17 में गए हो, ग्रेड 16 में गए हो, ग्रेड 14 में गए हो, 4,300 की तैनात बनती है। भाइयों बहनों, आपका मसाइल का वाहिद गारंटर इस सूबे में अगर है, अगर आपके यूनिट में है तो वो पैरामेड की एसोसिएशन है। वही और आगे आपको ये जदोजहद, आपको ये कामयाबियां देना नहीं सकता। इसलिए आपको चाहिए कि अपने अजदा में अपने अपने तंत्रों को पैरामेड की एसोसिएशन को उसको मजबूत करें, उनको पर वक्त चंदा दे, उनकी कार पर लबेक कहते हुए हर दम तैयार रहे। इंशाल्लाह कामयाबियां आगे भी आपके कदम चुके। मेरे भाइयों बहनों, एक खसूसी बात जो मेरे ख्याल में बार बार मुकर्री ने की, मैं भी दरखास्त करूंगा कि कोशिश करें एसोसिएशन आपकी क्वालिफिकेशन में बेहतरी के लिए जदोजहद करेगी, आपके ग्रेडों में बेहतरी के लिए जदोजहद करेगी, आपके लिए जो आपके हुकूम और भी हैं उनके लिए भरपूर जदोजहद करेगी। लेकिन एक कहा कि कोशिश करें कि अपनी ड्यूटी के दौरान मिलने के दाखिल नहीं करते, ठीक क्या करते हैं आपके इंजीनियर स्टेट बताए कि आप लोगों की किसी तरह का कोई शिकायत नहीं है, इसलिए आप काम करते हैं। लेकिन कोशिश करें उस काम में भी इंप्रूवमेंट आ जाए कि लोग कोई भी ये नहीं कह सके ये पैरामेडिक्स को ग्रेड्स वैसे मिले हैं, ये पैरामेडिक्स वैसे बैठे हैं, नहीं 80% काम हेल्थ डिपार्टमेंट में पैरामेडिक्स करते हैं। इससे इंकार नहीं किया, इसलिए कि आप फर्ज करें पैरामेडिक्स काम न करें तो क्या बीमार का डायग्नोस मुमकिन हो सकेगा? नहीं। अगर आप काम करेंगे, आप बेहतर तरीके से अपने ड्यूटी अंजाम देंगे तो बीमार की तशखीस भी होगी, बीमार का इलाज भी होगा और यही आपका हक बनता है कि आप हुकूमत से अपने एसोसिएशन के तवसुत से अपने लिए मजीद फैसिलिटीज के डिमांड करें। इंशाल्लाह जिस वक्त मैं सदर बन रहा था तो मुझसे पहले सुभाष चंद्र बोस आशा था, मैं खुद और सारे साथी कहते थे एसोसिएशन खत्म हो गया, लेकिन एसोसिएशन अल्लाह के फजल से खत्म नहीं हुआ। आज भी पलता पूर्णा, आज भी एक हफ्ते बाद जा रहा हूं, ये इतना मुनज्जम तंजीम है कि इंशाल्लाह मुझसे बेहतर बताएगा और पैरामेडिकल एसोसिएशन आइंदा के लिए फिर भी ताबिंदा और जिंदा रहेगा।
मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ, आप भी मेरे ख्याल में जैसे आपको भी देनी होगी, कहते दो नारों के जवाब आपने दे दें, लेकिन इस तरह नहीं कहते। मैं रिटायर हो रहा हूँ, शुगर का 24 साल बीमार हूँ, हेपेटाइटिस हूँ 20 साल से, मेरे आवाज से आप तेज आवाज में जवाब दे देते नजर आएगा। नारे तकबीर रहीम। मेरे पंडाल में पैरामेडिक्स के सदर जनाब न्याज साहब और जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज साहब और इस पंडाल के मेहमान खुसूसी डॉक्टर नासिर शाह साहब और हमारे सबका डीजीओ मनोहर अफरीदी साहब और अदारा डिवीजन के सदर अजयत रहमान साहब, शराफतुल्ला सिंधई साहब मरकजी सदर, सब मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हरिपुर के पैरामेडिक्स के जितने भी मेरे भाई हैं इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पैरामेडिक्स डे हरिपुर में मनाया जाता है और ये साल हमारे हरिपुर में मिलता है। मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पे अपने कीमती वक्त निकाला और जितने मेरे भाई भी हैं, जितने नाज साहब की सिपाही है, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर मैं एक शहर पढ़ूंगा, इरादे जिन के पुख्ता हो, इरादे जिन के पुख्ता हो, नजर जिन की गुदा पर हो, तनातन है इन बेटियों से वो घबराया नहीं करते। जैसे जनाब वकील खान पैरामेडिक अपना क्रसवॉल यूनियन के सदर, मैं जब अब इज्जत माफ जनाब डीएचओ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए, तशरीफ ले आए और अपने ख्याल का एहसास करें। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي نهايه قابل احترام جناب شرافت الله يوسفزئی صاحب نیاز صاحب رزاق ندیم صاحب میرے دیگر جتنے بھی مہمانان خصوصی آئے ہوئے ہزار بھر سے صدور ہیں جنرل سیکرٹریز ہیں اور باقی لوگ ہیں ان تمام پیرامیڈکس حضرات کو میں अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। एक शेर से शुरू करता हूँ, मेरी बहन ने भी एक बताया था, आपसे आपकी कोशिश गुजार किया था कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बंदों में फिरते हैं मारे मारे, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बंदों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। तो इसमें राज साहब, यूसुफ़ज़ई साहब और बाकी साहब ने भी कहा कि फला इंसानियत और बका इंसानियत की बात की और उसने कहा इसमें ये रूस्टर पे हम खड़े होके ये जो हरिपुर आपसे मुखातिब है और बिल्कुल होता रहेगा और ये इसका हक भी है, लेकिन साथ ये भी कहूँ कि फला इंसानियत बका इंसानियत के लिए हट उठने वाला काम, चाहे वो न्याज की तरफ से उठे, चाहे वो यूसुफ़ज़ई साहब की तरफ से उठे, चाहे वो किसी भी हेल्थ ऑफिसर की तरफ से उठे, चाहे वो किसी भी एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से उठे, या वो सैलरी जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों के साथ हमारा वोट भी शामिल होगा। और जहाँ पे KPI की बात की जाती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो उसमें हरिपुर हजार भर में नंबर वन है, आप देखते हैं। यूसुफ़ज़ई साहब ने, न्याज साहब ने और मैं खुद भी आपसे इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि 80% या 70% या 60% या 90% जितनी भी परसेंट है, आपका कदम, आपकी मौजूदगी, यानी जो पैरामेडिक्स हैं, मैं अक्सर कहता था खालिद साहब को जो कि मेरे मानसेरा के सदर हैं, उनको मैं कहा करता था कि अर्शद साहब इनके साथ जनरल सेक्रेटरी थे और ये उधर सदर थे और अभी भी हैं, तो इनको मैं कहा करता था कि अगर पैरामेडिक्स को डॉक्टर माना जाता है, जिस तरह यूसुफ अयूब खान साहब ने भी आपसे कहा कि आप तहसील के डॉक्टर्स होते हैं, तो जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं जिसमें RNOs भी हैं मैं, और इसके साथ में अपने MS साहब के भी मशहूर हूँ, और मोहसिन तुराबी साहब जो हैं उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि उनका अस्पताल पूरे 25 अजला में फर्स्ट नंबर पर आया है, पहले नंबर पर। पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स और तमाम हेल्थ ऑफिशियल्स के, इंक्लूडिंग RNOs,
जितने भी शामिल हैं, ये किसी एक बंदे की या किसी एक बंदे की ख्वाहिश या कोशिश नहीं होती, ये इसमें सारे खून लोगों का शामिल होता है, जिसमें आरएनओज भी हैं, जिसमें पैरामेडिक्स भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं। तो उसमें यह है कि जो हरिपुर है उसके टीपीआई बेहतर है, बहुत सारी चीजें बैठे बेहतर है, हमारे डीएचएस का कोऑर्डिनेटर भी इधर बैठे हुए हैं राफे साहब, तो इनके जो जितने भी केपीआईज आपके देखें, अगर डीपीआई के देखें, एलएडब्ल्यू के देखें या बाकी हजरात के देखें, तो उसमें बिल्कुल तकरीरी तौर पे आप लोग जिस तरह हमारे हफी साहब आपसे कहते थे कि कह रहे थे कि खिदमत की जाए, इंसानियत की खिदमत की जाए, और हर बंदा हर दुखी बंदा, आज भी सुबह जब हम मोहसिन साहब की तरफ से एक वो थी वर्कशॉप सी थी उसमें खिताब कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि इट इज अ वेरी टेक्निकल एंड सेंसिटिव एरिया, उस ये जो एंटीकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की स्टडी हो रही थी, तो उसमें कहा गया कि यार, किसी ने कहा कि यार मैंने ब्रूसेस भी देखे कि जो ब्रूसेस जो है तो एक पेशेंट के साथ, एक बच्चे के साथ, मौलूद बच्चे के साथ, किसी ने सेंसिटिविटी के लिए उसको सेंसिटाइज जगाने की खातिर उसको सिगरेट का निशान लगाया गया था और उसको जलाया गया था और उसको यानी ताकि उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पैदा हो जाए और वो जिंदा हो जाए, ड्राई कर जाए बच्चा। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए इस पे चाहे वो किसी का भी बच्चा है, चाहे अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, बच्चा बच्चा होता है और वो हमारे लिए साझा है, ठीक है। और पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं यकीन से कहता हूँ आप सबको कि जब भी आप पॉजिटिव रहते हैं या रहती हैं, तो आपके घरों में, आपके इंस्टीट्यूशन में और हर जगह पे किसी की भी परवाह न करते हुए आप अपने काम, अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे और इसमें अल्लाह ताला आपका हम भी नासिर होगा। तो इन अल्फाज के साथ मैं आप सबको मशकूर हूँ इस लिहाज से कि आप लोग जितनी भी खिदमत कर रहे हैं इसको हम अपने यानी कदर की निगाह से देखते हैं और आपके कदम से कदम मिलाते हुए यानी जितनी भी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो यूनियंस में हैं या नॉन यूनियंस में हैं, जो भी कदम आपको उठेगा और जिसमें आप भला इंसानियत और बका इंसानियत की बात करेंगे, इस नासिर शाह का भी कदम आपके साथ शामिल होगा। पहले भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, आप फर्दर फर्दर नाम लेना और टाइम ज़ाया करना वाली बात है। बहरहाल मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से और बिलखसूस पैरामेडिक्स के बहन भाइयों की तरफ से आप तमाम का तहे दिल से मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारे इस प्रोग्राम को रौनक बख्शे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह कायम दायम रखे, सलामत रखे और इंशाल्लाह नेक्स्ट पैरामेडिक्स डे में भी हम इंशाल्लाह साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो
मालूम है।